नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आज स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे माता रानी के कृपा से। और आज मैं फिर एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो मैं कद्दू से बनाने जा रही हूँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कद्दू के अलग तरीके से मैं सब्जी बनाकर बताती हूँ आप लोगों को। और मैं ये सब्जी मेरी दादी बनाया करती थी और उसी का नुस्खा मैं याद रखी हूँ। तो आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरा कद्दू है और इधर मैं दो आलू छील कर काट ली हूँ और एक प्याज और दो टमाटर। इसका सब्जी मैं बहुत ही अलग तरीके से टेस्टी सब्जी बनाकर आप लोगों को बताती हूँ। वीडियो में बने रहिएगा प्लीज। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए चलती हूँ मैं सब्जी बनाने। सब्जी को मैं काट ली हूँ और चलती हूँ बनाने। तो देखिए दोस्तों, मैं चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ा ली हूँ और मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ फौरन। आप सब देख सकते हैं मेथी और पीला सरसों है और लाल मिर्च है और एक तेज पत्ता भी मैं डाल दे रही हूँ। और अब तेल डाल दे रही हूँ। और मेरा फौरन चटक जाएगा तब मैं इसमें आगे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इधर मेरा फौरन चटक गया है और सबसे पहले मैं प्याज भून लेती हूँ। प्याज को कलर आने तक भून लेती हूँ, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो मेरा प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है कुछ कुछ। तो अब मैं इसी में डाल देती हूँ आलू और आलू को साथ में ही भून लेती हूँ। और आलू को 2 मिनट तक भून लेती हूँ और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है। तो मैं आलू को भून ली हूँ 2 से 3 मिनट तक और इसी में साथ में अब मैं टमाटर डालकर भून लेती हूँ। इसे भी मैं भून लेती हूँ टमाटर गलने तक। तो मेरा टमाटर गल गया है, आप सब देखिए। और मेरा टमाटर गल गया है तो मैं अब मसाले भून लेती हूँ। तो मसाले में मैं ले ली हूँ, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे है लहसुन और अदरक और काली मिर्च जीरा का पेस्ट है जिसे सिलवट्टे पे मैं पीस ली हूँ। तो इसे मैं डाल देती हूँ। और फिर इधर मैं मसाले ले ली हूँ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर था तो ये मैं कलर के लिए ले ली हूँ। अगर रहेगा तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। तो मेरे घर में था तो मैं डाल दे रही हूँ। और मैं सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो मैं सारे मसाले अच्छी तरह से भून ली हूँ। तो अब मैं लौकी को यानी कि कद्दू को डाल देती हूँ। और कद्दू को डालकर अच्छी तरह से चला लेती हूँ और इसे भी 1 से 2 मिनट तक भून लेती हूँ मसाले के साथ कद्दू को भी। और बहुत ही बढ़िया मेरा सब्जी बनकर तैयार होगा। अगर आप लोग नहीं इस तरीके से सब्जी बनाए हो तो बना कर देखिए खाकर। तो इसे मैं 1 से 2 मिनट तक भून लेती हूँ। तो 1 से 2 मिनट तक मैं कद्दू को भून ली हूँ और अब मैं डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार।
लास्ट में तो नमक को डालकर और चला लेती हूँ। और अब मैं डाल देती हूँ इसे पानी। और पानी डालकर हम ढक्कन लगा देते हैं और इसको 10 मिनट तक पका लेते हैं ताकि मेरा आलू और लौकी है जो अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं इतना ही पानी डाली हूँ सब्जी में, देख सकते हैं आप लोग। और अब मैं ढक्कन लगा दे रही हूँ और इसको 10 मिनट तक पका लेती हूँ अच्छी तरह से। जितना टाइम लगे, या 6-7 मिनट या 10 मिनट, तो मैं इसे पका लेती हूँ। और उसके बाद मेरे वीडियो में बने रहें और मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। सब्जी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा सब्जी बनकर तैयार है और देख सकते हैं आप लोग मेरा मसालेदार सब्जी, लौकी, आलू और टमाटर प्याज से बना निमुन्ना सब्जी मेरा बहुत ही बढ़िया बना है और बनकर तैयार है, देख सकते हैं आप लोग। और मैं अब गैस को बंद कर लेती हूँ। तो मेरा सब्जी बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अपने चैनल को ज़रूर कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।